हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ग्राउंड टीच में। आज हम छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर के माह अगस्त असाइनमेंट नंबर फर्स्ट कक्षा 12वीं विषय जीव विज्ञान को सॉल्व करेंगे। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी असाइनमेंट लिखने में कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला प्रश्न है, अनिषेक फलन किसे कहते हैं, इसके कोई चार लाभ लिखना है। तो देखिए, अनिषेक फलन क्या होता है? तो अनिषेक फलन सामान्यतः आवृत बीजी पौधों में फल का निर्माण और विकास परागण के पश्चात होता है, परंतु कुछ पौधों में फल का विकास परागण अथवा निषेचन या अन्य किसी ऐसे ही उद्दीपन के अभाव से होता है। यह प्रक्रिया अनिषेक फलन कहलाता है। जैसे बीज रहित, बिना बीजों का यदि हो जाता है आपका परागण क्रिया, तो वहाँ पर अनिषेक फलन होता है। जैसे होता है आपका केला, केला में ऐसा कोई नहीं होता है। इसका दूसरा परिभाषा भी लिखा हुआ है और इसका अनिषेक फलन के लाभ, बीज से फल प्राप्त किया जाता है, ठीक है, किसके, बिना बीज के फल प्राप्त किया जाता है। और इस प्रकार सेकेंड थर्ड फोर्थ इसके लाभ हैं, आप नोट डाउन बहुत अच्छे से कर सकते हैं। अब हम प्रश्न दो की ओर बढ़ते हैं। देखते हैं प्रश्न दो क्या है हमारा, परागण एवं निषेचन में कोई तीन अंतर लिखना है। तो परागण और निषेचन का अंतर यहाँ पे दिया हुआ है टेबल पे, आप बहुत अच्छे से टेबल को नोट कर सकते हैं और अपना एग्जाम्पल उदाहरण एग्जाम अच्छे से लिख सकते हैं, असाइनमेंट पूरा कर सकते हैं। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक तीन। तो प्रश्न क्रमांक तीन क्या है हमारा, कि एक प्रारूपिक भ्रूण कोष का नामांकित चित्र बनाना है। उस चित्र में आपको तीन बिंदु अंकित करने हैं। फर्स्ट क्या है, अंडकोशिका, सेकेंड ध्रुवीय केंद्रक और तीसरा सहायक कोशिका, ठीक है। तो देखिए क्या है, एक सेल है, पोलर सेल है, सेनर्जिट्स है। तो डायग्राम यहाँ पे हम लेते हैं। डायग्राम में देखिए एक सेल फर्स्ट आपको दिखाई दे रहा है, उसके जस्ट अपर में आपको क्या दिखाई दे रहा है, पोलर न्यूक्लियाई दिखाई दे रहा है और एक सेल के नीचे जस्ट क्या दिखाई दे रहा है आपका, सिनर्जिट्स दिखाई दे रहा है। तो इन तीन ही पॉइंट को नोट पॉइंट आउट करने के लिए बोला गया था, आप चेक कर दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। अब ये प्रश्न तीन के साथ हम आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न चार आता है आपका, काउपर्स एवं बॉर्थोलिन ग्रंथियाँ कहाँ स्थित होती हैं और इसके क्या कार्य होते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग काउपर्स एवं बॉर्थोलिन ग्रंथियाँ कहाँ स्थित होते हैं इसके बारे में देखते हैं। तो बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथियाँ जो युग्मित पेरियूथ्रल ग्रंथियाँ हैं जो मूत्र जननांगी डायाफ्राम में स्थित होती हैं, और बल्बो मेम्ब्रॉन्स और बल्बो पोगियंस मूत्राशय या मूत्रमार्ग के कॉर्पस स्पोजियोस के साथ होती हैं। इनका वर्णन सबसे पहले मेरी 1684 और विलियम काउफर 1699 द्वारा किया गया था, इस कारण इनका नाम काउफर सेल्स या काउफर ग्रंथियां भी रखा गया। लड़कियों में समजातीय ग्रंथियों को बार्थोलिन ग्रंथि के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो ये था आपका क्या, काउफर्स और बार्थोलिन ग्रंथियां कहाँ स्थित होती हैं, तो मूत्र जननांगियों में उपस्थित होती हैं। इनके कार्य क्या हैं, तो कार्य यहाँ पे आपके दिया हुआ है, जैसे काउपर का कार्य क्षारीय पूर्व सेमिनल द्रव का स्त्राव करना है, इसका उपयोग लुब्रिकेट करने के लिए किया जाता है और साथ ही स्खलन के समय वीर के पारित होने के लिए मूत्र मार्ग की अम्लता को बेअसर करता है, ठीक है। इस प्रकार से इसके कार्य होते हैं, दो कार्य आप लिख सकते हैं बहुत अच्छे से। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न पाँच आता है हमारा, टेपीटम क्या होता है, उसके तीन कार्य लिखने के लिए आया है, ठीक है। तो टेपीटम के केवल कार्य पूछा है, तो टेपीटम के हम कार्य यहाँ पे नोट आउट करते हैं। तीन बोला है, आप तीन की जगह में चार बना दीजिए, आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। पहला टेपीटम के कार्य है, यह वृद्धिशील बीजाणु जनन कोशिकाओं, बीजाणु मृत कोशिकाओं तथा वृद्धिशील सूक्ष्म जीवाणुओं को पोषण उपलब्ध कराता है। दूसरा क्या है, यह एंजाइम हार्मोन का स्त्रावण करता है। तीसरा, प्रोबिस काय उत्पन्न करता है जो परिपक्व परागण की बाह्य भित्ति के निर्माण के लिए स्पोरोपोलिनिन तथा अन्य पदार्थ उपलब्ध कराते हैं। और चौथा उपयोग इसका यह कार्य हो जाएगा, यह परागणों के लिए विशेष प्रकार के प्रोटीन का स्त्रावण भी करते हैं। तो ये थे आपका टेपीटम के कार्य थे। इसी के साथ में हम लोग आगे बढ़ते हैं और प्रश्न क्रमांक छः देखते हैं, जो क्या है, इस सब्जेक्ट का हमारा लास्ट प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक छः का फर्स्ट है आपका, आर्थोचक्र क्या है, आर्थोचक्र का नियमन कौन से हार्मोन करते हैं, और सेकेंड, शुक्राणु जनन एवं अंडाणु जनन में कोई अंतर लिखना है हमको, ठीक है।
सबसे पहले हम लोग देखते हैं आर्थव चक्र। तो आर्थव चक्र क्या होता है? जनरली महिलाओं में जो मासिक चक्र चलता है 28 दिन में मेंस्ट्रुएशन साइकिल, वही उनका आर्थव चक्र होता है, जो हमारे 12 से 13 वर्ष के आसपास प्रारंभ हो जाता है। ये महिलाओं में होती है और 45 से 55 उम्र की तक ये चलते रहता है। सेकेंड पॉइंट था आपका कि आर्थो चक्र का नियमन कौन कौन सा हार्मोन करते हैं। तो आर्थो चक्र का नियमन दो हार्मोन करते हैं, एक LH हार्मोन और दूसरा FSH हार्मोन। अब सेकेंड क्वेश्चन था आपका शुक्राणु जनन और अंडाणु जनन में कोई तीन अंतर लिखना है। तीन अंतर दिखाए, आप तीन अंतर लिख सकते हैं, चाहे तो एक और बढ़ा देंगे, बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। तो शुक्राणु जनन और अंडाणु जनन में अंतर है, पहला शुक्राणु जनन वृक्षण में होने वाली क्रिया है, अंडाणु जनन या अंडाशयों में होने वाली क्रिया है। मतलब क्या है, शुक्राणु जनन मेल ऑर्गन में पाया जाएगा और क्या होगा, अंडाणु जनन फीमेल ऑर्गन में पाया जाएगा। सेकेंड है, इसके एक प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट के चार शुक्राणु बनते हैं, इसमें एक प्राथमिक असाइट से एक अंडाणु बनता है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, मेल में चार स्पर्म बनते हैं और फीमेल में एक अंडाणु बनता है। तीसरा है, इसमें ध्रुवीयकाय नहीं बनते हैं और इसमें ध्रुवीयकाय बनते हैं। चौथा हो जाएगा आपका, इसमें अपेक्षाकृत कम समय लगता है, इसमें ज़्यादा समय लगता है। तो फीमेल में अंडाणु को बनने के लिए बहुत समय लगता है, ठीक है, और मेल में स्पर्म बनने के लिए कोई टाइम ज़्यादा नहीं लगता है, 12 से 24 घंटे के अंदर में बहुत आसानी से स्पर्म बन जाते हैं। इस कारण में क्या होता है, मंथली साइकिल पाई जाती है। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। यदि अभी भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि आपको भविष्य के पढ़ाई के लिए भी कोई दिक्कत न हो और सभी असाइनमेंट आपको आसानी से उपलब्ध हो सकें।